मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अजीज साथियों, मैं पुलिस वालों से आग्रह करता हूं कि वो कृपया करके सभा के स्थल के चारों तरफ खड़े रहें, पर फसाद फैलाने वाले लोग भेजे जा रहे हैं। अजीज साथियों, यही तो वो चाहते हैं कि आप उलझ जाएं, आप अपने मकसद से हट जाएं। बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी जगहों पर बैठें, ये आपका प्रोग्राम है, आप इसको खराब ना करें। राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। आइए आप लोग छोड़ दीजिए पूरी भीड़, हट जाइए ऐसे लोगों के आसपास से, आइए अपनी अपनी जगह पर बैठिए और अपने इस प्रोग्राम को पूरे आबोताब के साथ, पूरी जिंदगी के साथ, पूरे शान के साथ आगे बढ़ाइए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक पे हमला, एक पे हमला, फांसीवाद हो बर्बाद, फांसीवाद हो बर्बाद। आइए अब आपके दरमियान आपका जाबाज मुकर्रर शाहिद अली एडवोकेट, मैं आपसे गुजारिश करता हूं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट से, आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और आपका अपना प्रोग्राम आपके अपने हाथ में। सबसे पहले मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि जिस इंसान ने यहां पर आकर बदतमीजी की है इस प्रोग्राम के अंदर, उसको गिरफ्तार करें फौरन। ये प्रोग्राम परमिशन के बाद हो रहा है और ये साजिश है। ये मोदी कान खोल कर सुन ले कि ये कौम जागने वाली कौम है, ये कौम जिंदा कौम है। तो परेशान होने की पुलिस गिरफ्तार करेगी इसको। यहां पर जो आज हम लोग जमा है, जरा सोचो अपने दिलों के अंदर, जब कोई हमारा अजीज, बेहद जो अजीज होता है हमारा, उसका इंतकाल हो जाता है तो किस कदर अफसोस हमें होता है। मस्जिद हमें हमारी जानों से ज्यादा अजीज, उस मस्जिद का कत्ल कर दिया गया, उस मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने का ऑर्डर कर दिया गया। यहां पर हम लोग अपने उस गम में चूर हैं और यहां पर ये लोग दूसरे लोगों को भेज करके, यानी कि इस मुल्क के अंदर क्या हमें गम मनाने की भी आजादी नहीं होगी। कितने शर्म की बात है। कब्रिस्तान आप हमारे कब्जा कर रहे हो, 704 कब्रिस्तान में से सिर्फ 131 बचे हैं। मस्जिदों में आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो, सिर्फ एक बाबरी मस्जिद ही नहीं, अकेले दिल्ली में 56 बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाज नहीं होने दी जाती, अकेले दिल्ली राजधानी में। और अब आप एक नया कानून लेकर आ रहे हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। आप यह कहना चाहते हो सीधे सीधे कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। आप यह कहना चाहते हो कि जो जिन्ना की थ्योरी थी वो थ्योरी सही थी, हम इस थ्योरी को सही नहीं मानते, हम इस देश का दूसरा बंटवारा नहीं होने देंगे। मिस्टर मोदी आप कान खोल कर सुन लो, अगर आप यह चाहते हो कि इस तरह के कानून लाकर आप हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा दोगे मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर या दूसरे नाम पर, तो आप कान खोल कर सुन लो कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों को भगाने का काम कर चुके हैं, हम इंशाअल्लाह आपको भी भगाने का काम करेंगे। दोस्तों, ये बहुत गम का मुकाम है, यहां पर जिंदाबाद के नारे, मैं आपके रेस्पेक्ट करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यहां पर हम बाबरी मस्जिद की शहादत पर रोने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को, जिन लोगों ने उसको शहीद किया
उनके खिलाफ सजा दिलवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम इस मांग के साथ जो हमने मंडी हाउस से शुरू करी यहाँ तक पहुंचे और पिछले 26 साल से कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम तब तक करेंगे जब तक कि इन लोगों को सजाएं नहीं हो जाती। दोस्तों एक मिनट का टाइम, मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ आखिर के अंदर। आज कई लोगों ने कहा कि इंसाफ हो गया फिर आप ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पर इज्तमाई तौर पर बता रहा हूँ कि इंसाफ नहीं हुआ है, और इंसाफ अगर हुआ था तो 1885 में हुआ था। वो इंसाफ क्या था, जब कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि रामलला चबूतरे में भी पैदा नहीं हुए हैं और रामलला के मंदिर बनाने की परमिशन उस वक्त कोर्ट ने नहीं दी थी। 1885 में जब रामलला का मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिली, उसके खिलाफ अपील की गई, अपील भी डिसमिस हुई, उसके खिलाफ दूसरी अपील की गई, दूसरी अपील भी डिसमिस की थी। तो 1885 में फैसला हो गया था, फिर आज 2019 में उस फैसले को क्यों पलटा गया। आप ताकत में हो इसलिए हम आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा इंशाल्लाह ये फैसला फिर बदलेगा और ये जगह इंशाल्लाह तमाम पुत फैसले से पाक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दो वक्ताओं के लिए अभी हमारे पास टाइम है। 5 बजे पुलिस वालों ने कहा कि हम सिस्टम को ऑफ करेंगे, हमारा कार्यक्रम भी 5 बजे तक है। मैं चाहता हूं कि जो भी वक्ता आ रहे हैं और बाकी जो भी बोल नहीं पाएंगे हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, इसलिए कि हम वहां से लेट हुए। सिर्फ एक एक मिनट में अगर आप अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, धन्यवाद। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अब अबाबीलों की लश्कर नहीं आने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। आइए हजरात इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल रशीद अगवान साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। मुस्लिम मजलिस मशावरत दिल्ली से आप हैं। उस ईश्वर के नाम से जिसकी मस्जिद को गिरा दिया गया और सुना है कि अब वहाँ रामलला का मंदिर बनाया जाएगा, ज़मीन की अदालत ने अगर कोई फैसला गलत दिया तो आसमान वाले की अदालत का फैसला ज़रूर आएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए इसलिए चुना गया कि आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बरसी थी। लोगों को बांटने के लिए ये दिन चुना गया कि जब इसकी बरसी मनाई जाएगी, बाबरी मस्जिद की याद मनाई जाएगी, तो दलित अलग बैठेंगे, मुसलमान अलग बैठेंगे। बहुत सोच समझ के फैसला किया गया और ये तय किया गया कि बाबरी मस्जिद की बरसी भी के साथ साथ संविधान की बरसी भी होती रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार, उनका संविधान हमेशा अमर रहेगा और बाबरी मस्जिद का मुतालबा भी हमेशा अमर रहेगा। अगर बाबरी मस्जिद के पूरे मसले को हम एक लफ्ज़ में या कुछ लफ्ज़ में कहना चाहें तो ये कि एक झूठ जो कानून बन गया। 250 साल से 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में आ गई तब से ये मसला खड़ा है, उससे पहले कभी मसला नहीं था ये। और 250 साल से ये लड़ाई चल रही है और लगता है कि आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क को की हुकूमत कर रही है, कि जो बंटवारे की राजनीति उन्होंने उस वक्त चलाई थी वो आज भी जारी है। ये झूठ क्या था? झूठ ये था कि अवध में राम जन्म स्थान है, ये साबित नहीं हुआ। अदालत को कहना पड़ा कि कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ आस्था की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। एक झूठ ये है कि वहाँ कोई मंदिर था, फिर कहा कि राम मंदिर नहीं था, हरि मंदिर था, फिर हरि मंदिर नहीं, अब कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू मंदिर था। बल्कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू मंदिर के आसार हैं ज़मीन के नीचे, लेकिन वो हरि मंदिर के और हिंदू मंदिर के आसार नहीं हैं। आप अगर देखेंगे, उसको झाँक कर देखेंगे, जो 50, 60, 80
मीटर के अंदर खुदाई हुई है, उसमें बुद्धिस्ट मधर्म के आधार मिले हैं, शाक्त धर्म के आधार मिले हैं, शैव धर्म के आधार मिले हैं, वैष्णव धर्म का कोई आधार नहीं मिला है। अयोध्या वहां थी ही नहीं। मैंने किताब लिखी है, 17 एविडेंस दिए हैं उस किताब में, और ये बताया है कि यहां पर कभी अयोध्या थी ही नहीं। और कानून झूठ के साथ कानून क्या बना है कि अब आप किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी गिरजे में कुछ भी रखकर कब्जा कर लीजिए, कोर्ट कहेगा साहब कब्जा तो ये हो गया, अब क्या करें, हमारी ताकत तो नहीं इसको हटाने की, आप कुछ और जमीन लेकर कहीं शहर से बाहर अपना स्थान बना लीजिए। ये कानून बन गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक नहीं करता है तो पूरे मुल्क में ये होता रहेगा कि कोई मस्जिद और कोई मंदिर और कोई गुरुद्वारा और कोई गिरजाघर जो है बचेगा नहीं, जहाँ पर खुराफाती लोग जाएंगे और वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ रखकर कब्जा कर लेंगे, केस चलेगा और आखिरी में अदालत कहेगी भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने है, जाओ ऐसा करो कि 5 एकड़, 4 एकड़, 2 एकड़ ज़मीन शहर से बाहर तुम ले लो और तुम्हारा भला हो जाएगा, ये इंसाफ हो जाएगा। हमें ये इंसाफ देखना है कि कोर्ट का ये इंसाफ अगर बाकी रहता है तो इस मुल्क में इंसाफ बाकी नहीं रहेगा। इसे ज़रूरी है कि जो रिव्यू पिटिशन आज दाखिल किए गए हैं और पहले दाखिल किए गए थे उन पर कोर्ट ध्यान दे, और कोर्ट ने जो साफ बात कहनी है वो ये कहनी है कि ये जगह जो है, जो जगह है वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, जो मस्जिद बनाई गई उस जगह पर मस्जिद फिर से बननी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए। वो कोर्ट ये कहता है कि मुसलमान को अगर हमने ज़मीन दे दी तो कैसे बनाएंगे वहाँ पर, कोर्ट की इबारत लिखी हुई पीस के लिए, अमन के लिए और पेचीदगी ख़त्म करने के लिए हमने ज़मीन दी है, तो कोर्ट डर रहा है, लेने वाले शायद नहीं डर रहे हों, कोर्ट डर रहा है कि वह ज़मीन देंगे तो क्या होगा। तो कोर्ट को चाहिए कि वो इंसाफ, अभी भी मौका है कोर्ट के लिए, वरना फिर आसमान वाले का इंसाफ आने वाला है इस धरती पर, कोर्ट के लिए आखिरी मौका है और उम्मीद है कि कोर्ट जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है उन पर सुनवाई करेगा और अपने फैसले को और बेहतर करने की कोशिश करेगा। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुलरशीद अकबान साहब। हजरात हमारे दरमियान बहुत बहुत कीमती शख्सियात यहाँ पर हैं जिनको हमें सुनना था, लेकिन वक्त की नज़ाकत है और अब ये प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता है, वक्त की कमी है। तो मैं सबसे बहुत ही माजरत, अर्जुन सिंह जी हैं, प्रताप सिंह जी हैं, डीआर सूरी साहब हैं, संतोष कुमार जी हैं, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बहुत ही अहम वक्ता हैं, आपको भी सुनना था लेकिन नहीं सुन सकते हैं, मोहम्मद सुलेमान साहब और अंसार इंदौरी साहब, नरेंद्र साहब, एडवोकेट मोहम्मद अनवर साहब, सबसे बहुत ही माजरत के साथ के वक्त की कमी है। और ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, ये आज ही ख़त्म नहीं हो रही है, इसको हम जारी रखेंगे, यूं ही ये लड़ाई चलती रहेगी और आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ाति के ख़िलाफ़। मैं अपनी बात ख़त्म करूं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल ये सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहाँ अब तक तेरी है, बोल के आहनगर की दुकान में तुंद है शोले, गर्म है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। साथियों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही मैं बिरजू नायक जी से गुजारिश करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें। बिरजू नायक जी, सभी को धन्यवाद। बहुत शांतिपूर्वक हम सब लोगों ने, नेताओं ने सुना और हम इन भविष्य में एक साथ होंगे। एक नारे के साथ मैं खत्म करूंगा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनहगारों को सजा दो, बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सजा दो, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनहगारों को सजा दो, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनहगारों को सजा दो।
Gracias.